मिले आयुष छोटिया, आपका आज के पावन अवसर पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आज स्पेशल वेलकम करना चाहूँगा हमारे आज के चीफ गेस्ट सुबेदार चैन सिंह जी का, और वेलकम करना चाहूँगा हमारे टीचर्स एंड एनसीसी कैडेट्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किश्तवाड़ एंड केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़ का, जो आज हमारे यहाँ पे 10 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज जो कि हम मेजर सुशील एमा कीर्ति चक्र पोस्टमस को श्रद्धांजलि के तौर पे अर्पित करना चाहते हैं। हमारे इंडियन एस स्पोर्ट्स शूटर सुबेदार चैन सिंह साहब, जो कि हमारे सन ऑफ द सॉयल हैं, मतलब हमारे डोडा ज़िले के रहने वाले हैं, और 2007 में जिन्होंने इंडियन आर्मी में ज्वाइन किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी स्पोर्टिंग स्किल इसको शूटिंग स्किल को इम्प्रूव करते करते आर्मी मार्क्समैन यूनिट में दाखिला लिया, और वहाँ पर ट्रेन होते होते उन्होंने नेशनल गेम्स, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स, और उसके बाद रियो ओलंपिक्स में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उनकी काबिल तारीफ हार्डवर्क जो है, जो कि ये दर्शाता है कि उन्होंने 12th साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स जो गुवाहाटी में हुए थे 2016 में, उसमें 6 गोल्ड मेडल्स लेके हमारी आर्मी और देश का नाम रोशन किया था। आज हम ये एनसीसी कैडेट्स को, हमें मौका मिला है यहाँ इस इम्पोर्टेंट इवेंट पे, जो कि 10 मीटर इंडोर शूटिंग रेंज है, जिसको हम आज हमारे चीफ गेस्ट के हाथों इनॉग्रेट करवाएंगे। हमारे जो बडिंग टैलेंट हैं, जो कैडेट्स हैं, जो और भी जो सिविलियन यूथ है, जिनको इस स्पोर्ट के बारे में अभी तक बहुत कम जानकारी थी, उनको ये मौका मिलेगा कि वो अपने आप को इस स्पोर्ट से रूबरू कराएं और अपना स्किल आइडेंटिफाई करें, और देश को, जो हमारा एक एम है, हमारे देश का मिशन ओलंपिक्स, उसकी तरफ ये एक कदम है कि हम जो लोकल टैलेंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और लोकल टैलेंट अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए इस गेम के साथ, और इसको एज ए प्रोफेशनल कैरियर चूज़ कर सकें। सर, मैं अब हमारे आज के चीफ गेस्ट सुबेदार चैन सिंह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार स्टेज पे आएं और हमारे बडिंग टैलेंट्स का मार्गदर्शन कर उनके हौसला बढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आर्मी का भी, क्योंकि आर्मी की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के सामने। आर्मी तो एक प्लेटफॉर्म है ही है, बट अभी ऐसा है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी निकाली हुई है। लोगों को डाउट रहता था पहले, जो कि स्वाभाविक भी था, कि अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में आए तो वो क्यों आए, उसको क्या फ़ायदा है आगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अभी जो पॉलिसी निकाली है गवर्नमेंट ने, जो आज से पहले नहीं थी, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है आप लोगों का, यूथ का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी है, हर वो चीज़ है जो आपको पढ़ाई से भी मिल सकती है। कदम उठाया है यहाँ के लोगों के लिए, 17 RR के अपने पल्टन के लिए जो शूटिंग रेंज उन्होंने सेटअप किया हुआ है, ये शूटिंग रेंज आने वाली जनरेशन के लिए और आप लोगों के लिए बहुत ही उपलब्धियां लेके आने वाला है। बिलीव करें, ऐसा शूटिंग रेंज अभी तक सिर्फ जम्मू में एक दो जगह है, वो जम्मू से इधर के इलाके में कहीं भी ऐसा शूटिंग रेंज अभी तक नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीओ साहब का। आज इनकी कोशिशों की वजह से मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने प्रेजेंट होने का। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मिला हुआ है किश्तवाड़ के लोगों को, खासकर उपहार के तौर पे, और इसका पूरा यूटिलाइज करना चाहिए आप लोगों को। आगे जो और बच्चे हैं स्कूलों में, उनको भी अवेयर करना चाहिए, ताकि यहाँ से एक नहीं 10-10 ओलंपियंस पैदा हों। मैं 2007 में आर्मी ज्वाइन की थी, मेरी पेरेंट यूनिट 13 जैकलाई है। 2008 में मेरा जो शूटिंग कैरियर है वो शुरू किया था मैंने। ट्रेनिंग के दौरान हम लोग जो सर्विस राइफल्स होती है, इंसास राइफल्स, उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। मेरा नेचुरली, आप मान लो या कुछ भी है, क्योंकि बचपन मेरा बड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गुजरा हुआ, तो जो फिज़िकल स्ट्रेंथ था मेरा वो थोड़ा सा हाई था, जो मुझे शूटिंग में सपोर्ट करता था। तो एटलीस्ट हम लोगों को कोई 50 लोग चुने गए थे शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान। उसमें से बहुत सारे ट्रायल्स लिए गए, 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे सिलेक्शन ट्रायल्स लिए गए। उसमें से
टॉप 6 जो थे उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ, बाकी सारे आउट हो गए। वो जो टॉप 6 जो है, जैसे आप लोगों को पता है हर रेजिमेंटल सेंटर में एक ट्रेनिंग के दौरान शूटिंग की एक टीम तैयार की जाती है जो कम्पीट करती है यंग ब्लड चैम्पियनशिप, जो कि इन्फेंट्री स्कूल मऊ में कंडक्ट किया जाता है, उस कंपटीशन के लिए तैयार की जाती है। तो उस प्रोसेस के थ्रू में इन्फेंट्री स्कूल मऊ में जो कंपटीशन हुआ उसमें सेलेक्ट हो गया था। बताया पहले 5 राउंड आपको उस वेपन का फील एक्सपीरियंस लेने के लिए, आजमाने के लिए, फिर दूसरे 5 राउंड आपको दिए जाएंगे जो कि आपका फाइनल काउंट किया जाएगा, ठीक है। फिर उसमें से जो फर्स्ट 3 आएंगे उनको सूबेदार चैन सिंह के हाथों से पुरस्कृत किया जाएगा, उनसे अवार्ड दिलाया जाएगा, और फिर बाद में उन 3 का हम आगे प्रैक्टिस देंगे और उनको फायरिंग की कोचिंग भी देंगे, ठीक है। सभी ठीक है? यस सर। हायर होने के बाद तुरंत हाथ नीचे रह गया, हायर हो गया, होल्ड करो, फिर धीरे 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 हाथ पहुंचेगा, आया आपका सिर यहाँ पर रेस्ट करो, इसको नीचे फिर दोबारा लोड करवाई करो, क्लियर है आपको? इस 10 मीटर प्रतियोगिता में सभी कैंडिडेट्स ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, सभी को यहाँ पर 5-5 राउंड फ्री शॉट फायर करने के लिए मौका मिला। उसके बाद कंपटीशन के तौर पर सभी को 5-5 राउंड दिए गए थे, जिसके अंदर 22 पॉइंट लेकर थर्ड स्थान पर है साहिल सिंह। और इस प्रतियोगिता में 30 अंक लेकर प्रथम स्थान पर है प्रशांत ठाकुर। ठीक है, थैंक यू ठीक है, मजा आया फायरिंग का। अपने टाइम से आप आइए, मैडम अगर आपको बताइए, सर को बताइए, इनको कभी भी आप लेके आ सकते हैं फायरिंग के लिए। बाकी जो भी अभी नेक्स्ट शूटिंग कॉम्पिटिशन होंगे प्राइवेट में, मैं थोड़ा ट्रैक रखूंगा उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल के, तो हम इनके नाम लेके रखें, तो हम इनको प्रैक्टिस फर्स्ट सेकेंड थर्ड उनको थोड़ा और प्रैक्टिस करा के हम ट्राई करेंगे। थैंक यू। JDJW आपके जो वो भी आए उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है।
कहना चाह रहा हूँ खाली शूटिंग में लड़कियाँ जो शूटर्स हैं वो लड़कों से ज़्यादा हैं। अराउंड 7 से 8 हज़ार लड़कियाँ इस वक्त एरिया की शूटर्स हैं, टॉप लेवल की शूटर्स हैं। तो वो ऐसे ऐसे एरिया से बिलोंग करती हैं उनके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बस, लेकिन इंटरेस्ट था, स्टार्ट किया एक बार और स्टार्ट करते करते वहाँ पर पहुँची हुई टीम के लिए खेलती हैं। मैं चाहूँगा ये जो किश्तवाड़ में 17 RR राष्ट्रीय राइफल में शूटिंग रेंज का इनोग्रेशन किया है, एक सेटअप किया है, बहुत एडवांस शूटिंग रेंज है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए, 17 RR के लिए, फौज के लिए और भी जो नियरबाई एरियाज हैं उनके लिए बहुत बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। यहीं से जो है एक नहीं 10-10 कन्नौटा में ओलंपियंस जो होते हैं डिसाइड जिसकी वो इंटरेस्ट हो उनको यहाँ पर आए प्रैक्टिस करें और बहुत सारा नाम बना सकते हैं।